जैसा कि मैंने एक वीडियो में पूछा था कि मुझे कौन सी गेम ट्राई करनी चाहिए, तो आपने कहा था माइनक्राफ्ट। हर तीसरे चौथे कमेंट के बाद मेरा माइनक्राफ्ट का ही नाम आ रहा था मेरे कमेंट में, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई माइनक्राफ्ट के ऊपर भेज पूरी। वैसे ये मैंने गेम आप सबके कहने से पहले कभी ट्राई तो नहीं करी, लेकिन अब मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी खेलने की, अब मैं ज़्यादातर चीज़ें समझ चुका हूँ। अब इधर मैं सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ मैं अपना घर अच्छे से बिल्ड कर पाऊँ, इसलिए देखो मैं इधर से उधर घूमे जा रहा हूँ बस, ताकि मुझे अच्छी जगह मिल जाए कोई। और ये वीडियो बिगनर्स के सबसे ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई ही है बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जगह ढूंढते ढूंढते मुझे ये जगह दिखती है, जो इतनी खास तो नहीं है लेकिन मुझे थोड़ी सही लगी, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी फोड़ना चालू करता हूँ। मिट्टी देखो हाथ से ही फूट जाएगी आराम से। और मिट्टी के अलावा हमें किसी और चीज़ को तोड़ना है तो हमें कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे हमें खुद बनाने होंगे। तो वीडियो में बस बने रहना, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाली है वीडियो। तो देखो मैंने औजार की बात करी थी, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा मेन जो चीज़ है वो चाहिए होगी लकड़ी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लकड़ी को बना लेता हूँ, मतलब बनाना क्या है, मतलब तोड़ना है यहाँ से लकड़ी। तो मैं यहाँ पे ना 7 से 8 लकड़ी यहाँ से पहले कलेक्ट करूँगा, फिर आपको बताऊँगा यहाँ से। इनका यार फिज़िक्स कुछ ज़्यादा ही एडवांस है यार, इनका फिज़िक्स मुझे समझ में नहीं आया कि पत्तियाँ ये आसमान में लहराती कहते हैं, इनकी पत्तियाँ आसमान में लहराती कैसे हैं, मतलब इनका फिज़िक्स भाई थोड़ा महंगा वाला है। अब क्या कर सकते हैं, चलो हम लकड़ियाँ ही तोड़ने पर फोकस करते हैं, इनके फिज़िक्स को हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारे पास देखो 5 लकड़ियाँ हो गई, 5 नहीं हो गई, अब 6। ये शिप का गेम बाद में बचाएंगे, अभी तो हमें जो हमारा मोटिव है लकड़ियाँ कलेक्ट करना, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद चलेंगे हम अपने अड्डे पर, मेरे ख्याल से इतनी अब काफ़ी रहेगी लकड़ियाँ। तो बस तोड़ी हुई लकड़ियाँ आप उठाते हैं और चलते हैं कहाँ हमने अपनी जगह बनाई थी घर बनाने के लिए। तो चलो ये दिख गया कि शीप लग रहा मरवा के मारेगी, कुछ करके मारे गया, ये जा ही नहीं रही, लग रहा है यहाँ पे फंस गई है। ये जो मुझे गड्ढे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसको मैंने ऐसी मिट्टी से भर दिया, आप भर भी सकते हो ऐसी। देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भर देता हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा था ना, ताकि सपाट हो जाए ना मेरे घर के सामने, तो मेरा घर देखने भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आपने ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, अब जो ये 3 डॉट आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना है आपको कुछ इस तरह, ये जो 3 डॉट जहाँ पे ये मार्क भी हो रहा है सर्कल, और अब जहाँ पे ये क्राफ्टिंग लिखा हुआ है ना वहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, ये जो आपने लकड़ी कलेक्ट करी थी यहाँ पे रख देना है। और देखो जो नीचे आपको बक्सा बना हुआ था ना, इसको कहते हैं प्लैंक। इस सारी प्लैंक्स को यहाँ पे टैप टैप करके बना लेनी है, आप आसानी से इस प्लैंक्स को बना लोगे। अब प्लैंक को बनाने के बाद हमारा दूसरा स्टेप है कि हमारी डंडी बनानी पड़ेगी, स्टिक्स कहते हैं जिसे। स्टिक्स को बनाने के लिए चाहिए होगी हमें प्लैंक्स, ऊपर नीचे कुछ ऐसे रख देंगे तो यहाँ पे देखो नीचे स्टिक्स बन जाएगी। तो ज़्यादा स्टिक्स नहीं बनाएंगे, मैंने यहाँ पे बना ली 12 स्टिक बना ली बस। ज़्यादा बनाओगे तो देखो सारे हमारे बक्से ख़त्म हो जाएंगे, यानी प्लैंक्स ख़त्म हो जाएंगे फिर, क्योंकि प्लैंक्स से हमें ना बाकी चीज़ें भी बनानी है। तो मैंने बस 12 स्टिक्स बना ली यहाँ पे। अब स्टिक्स बनाने के बाद जो हमारे पास प्लैंक्स बची है उसका देखो हम क्या करने वाले हैं, हम प्लैंक्स जहाँ जहाँ पे स्पेस है ना वहाँ पे लगा देंगे। हमें एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है यहाँ पे, देखो बस मैं क्या बात कह रहा हूँ कि बस एक ही क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, एक से ज़्यादा नहीं बनानी। तो चलो अब आपने क्राफ्टिंग टेबल भी बना ली, चलो बहुत बढ़िया बना ली। अब क्राफ्टिंग टेबल को सिलेक्ट करना है और कहीं पर भी प्लेस कर दो, ये देखो एरो दिख रही है, ये क्राफ्टिंग टेबल को सिलेक्ट करना है, ज़मीन पर कहीं पर भी टैप कर दोगे ना तो क्राफ्टिंग टेबल वहाँ चली जाएगी, यानी प्लेस हो जाएगी। देखो कुछ ऐसे यहाँ पे शीप के पास ही मैं चलो प्लेस कर देता हूँ ये क्राफ्टिंग टेबल। अब इस क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर ही क्लिक करो तो यहाँ पे देखो जहाँ पे येलो येलो स्पॉट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे सामान है जो आप बना सकते हो अभी फ़िलहाल, मतलब जितने हमारे पास अभी सामान है उसके हिसाब से ये सामान बना सकते हैं हम। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिखा रहे, तलवार है, फिर एक कुल्हाड़ी है, फिर पिकैक्स है। हम पहले देखो पिकैक्स के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक पिकैक्स बना लेंगे। देखो अभी तो सिर्फ आप एक एक ही बनाना, क्योंकि ज़्यादा सामान बचा नहीं, अगर आप ज़्यादा बना लोगे तो बाकी आप सामान बना नहीं पाओगे। तो मैंने एक देखो शावल बना लिया, एक हम कुल्हाड़ी बना ली पेड़ काटने के लिए। तो मैं यहाँ पे ना इसको तोड़ देता हूँ, क्योंकि इसको हमें दोबारा कलेक्ट करना है ना, इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, हाँ क्राफ्टिंग टेबल, इसको हमने दोबारा ले लिया। अब इसको हम पिकैक्स से पत्थर भी आराम से तोड़ सकते हैं, तो अगर आप सोचोगे पिकैक्स से अलावा मैं पत्थर किसी और चीज़ से तोड़ दूँ, आप तोड़ तो लोगे लेकिन टाइम आपको इतना लगने वाला है ना, आप भी हैरान हो जाओगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर स्पीड अप कर दिया, ताकि आप जिससे ज़्यादा बोर ना होए, क्योंकि स्पीड अप नहीं करोगे तो क्या पूरी वीडियो थोड़ा देखो। वैसे भी ना जो माइनक्राफ्ट की जितनी वीडियोस होती है ना वो देखो काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि इसमें एक चीज़ नहीं होती ना बताने लायक, इसलिए वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाती है माइनक्राफ्ट की। गेटिंग ओवर इट तो है नहीं कि उसमें स्पीड रन करो, चलो भाई 4 मिनट का स्पीड रन है 4 मिनट की वीडियो हो गई, 2 मिनट का स्पीड रन 2 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन यार ये तो अलग ही गेम है, ये मतलब अलग ही गेम है थोड़ी, तो इसमें तो वीडियो लंबी हो ही जाती है थोड़ी। अब हम पत्थर के औजार बनाएंगे, क्योंकि हमने ना पत्थर तोड़ तोड़ के उसको भी कलेक्ट कर लिया। अब देखना अब हम यहाँ पे पत्थर के भी औजार बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पत्थर, काफ़ी तो नहीं 12 पत्थर आ चुके हैं,
लेकिन मुझे बस अभी पिकैक्स की जरूरत थी तो मैंने इसलिए वही तोड़ा, क्योंकि पिकैक्स की स्पीड देखो यार, पत्थर इतनी रफ्तार से तोड़ता है ना, मतलब आप भी देख के हैरान हो जाओगे। मतलब और वैसे भी आयरन का पिकैक्स ज़्यादा पावरफुल था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास आयरन तो है नहीं। तो मैं ना इस जगह को थोड़ा ना कमरे ऐसा शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब कमरे ऐसा दिखने लगे ना देखो, इसलिए मैंने स्पीड अप कर दिया। अब बोर ना हो, मैं दोबारा क्यों बार बार एक ही बात कह रहा हूँ मैं पता नहीं यार मुझे भी, वैसे आप ज़्यादा बोर ना हो इसलिए मैं इसकी स्पीड बढ़ा दी है। और इसको ना मैंने कमरे ऐसा बनाना है कि थोड़ा देखने में बढ़िया लगे। ये मैंने खामखा भर दिया, चलो इसको हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पे पत्थर लगा देते हैं, क्योंकि अब देखो शाम हो जाएगी, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर ज़ोंबीज़ आने लगेंगे, ज़ोंबीज़ आने लगेंगे ना फिर हम मर जाएंगे। और जो भी हमने सामान ये लिया है ना अभी तक बना है, पिकैक्स बना है, जो भी हमने औजार बनाया हम सारा खो देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे दीवार बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी थोड़ी, है ना। तो अभी हल्की सी दीवार बनाई है। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, पत्थर से एक और चीज़ बढ़िया सी चीज़ बनती है, फर्नेस कहते हैं, भट्टी कहते हैं। भट्टी तो कैसे बनेगी, सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा कहीं पर प्लेस कर दो क्राफ्टिंग टेबल को, और उसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ना पत्थर को चारों तरफ फैला दो, बीच के अलावा, मतलब बीच में जो सेंटर वाला है ना वहाँ पर छोड़ के पत्थर को सारी तरफ फैला दो। फैलाने से क्या होगा अभी खुद ही देखना आप। ये मैंने इधर रखा, एक पत्थर यहाँ पे रख दिया, तो देखो बन गया हमारा फर्नेस। अब देखो फर्नेस को यहाँ पे प्लेस कर देंगे क्राफ्टिंग टेबल के बगल में। ये क्या मांग रहा है, इनपुट फ्यूल और रिजल्ट। देखो इससे नहीं बनेगा, हमें चाहिए होगी लकड़ी, क्योंकि अगर जब हम ऊपर लकड़ी डाल देंगे ना तो हमें बना के देगा वो कोयला। कोयले का क्या काम है भाई, उससे हम बनाएंगे टॉर्च, क्योंकि रात हो जाएगी ना तो हम देख ही नहीं पाएंगे कुछ, क्या फ़ायदा होगा यार खेलने का, फिर मज़ा ही नहीं आएगा, अंधेरे अंधेरे में सब कुछ लगेगा। इसलिए हम जा रहे थोड़ी लकड़ी कलेक्ट करने, थोड़ी सी मुझे ये वाली लकड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे आ गया कलेक्ट करने। ये लकड़ी, ये मैं कुल्हाड़ी स्विच कर देता हूँ, क्योंकि तो कुल्हाड़ी से जल्दी कटती है लकड़ी, है ना, रियल में भी ऐसी होता है, इसमें भी ऐसी होता है। थोड़ी सी लकड़ी है ना यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी। और जानवरों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा जानवर हमें कब हमला कर देगा, इसलिए हम जानवर से पंगे लेंगे ही नहीं, चाहे वो सुअर भी क्यों ना हो। अभी तो कुछ नहीं करना जब तक हमारे पास सही से रहने का जुगाड़ पानी नहीं हो जाता। तो मैं बस लकड़ी कलेक्ट कर रहा हूँ एकदम दबा के जितना मेरे से हो सके। तो अब देखो जितना मैंने कलेक्ट कर लिया, अब चलता हूँ मैं अपने अड्डे पे दोबारा वापस। या मैं सोच रहा था यार थोड़ी बहुत लकड़ी और मिल जाती मुझे, चलो यार अपने अड्डे पे ही चल लेते हैं वापस। हमारे पास लकड़ी आ गई ना, पहले मैं ये ना भर देता हूँ, जो गड्ढे हुए हैं ना, गड्ढे बड़े बेकार लग रहे हैं मेरे घर के सामने, है ना, तो भर देता हूँ। अभी मैं अपने घर को घर नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि घर वाले जैसा फीलिंग आ नहीं रही यहाँ पर, तो पहले मैं इस गड्ढे को भरता हूँ। अपने घर में एंटर होता हूँ मैं शॉर्टकट तरीके से, बिना दरवाजे के आते हैं हम तो। देखना जहाँ पे वो इनपुट मांग रहा था ना वहाँ पे हम रख देंगे अपनी लकड़ी जो हम वहाँ से लाए हैं। तो वहाँ पे लकड़ी रख देंगे ना तो ये कोयला बनाना चालू कर देगा हमारा फर्नेस। देखो यहाँ पे रखा, ये देखो लग गई ना आग, अब चालू होगी लकड़ी जलना चालू होगी, अब बनाएगी हमारे लिए कोयला। देखो अब फर्नेस बना चुके हैं, उसमें इनपुट भी डाल चुके हैं हम, थोड़ी देर में कोयला तैयार हो जाएगा। स्टिक्स भी हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि स्टिक्स ज़रूरी है वो लाइट बनाने के लिए, टॉर्च है ना। तो थोड़ा बहुत चलते हैं बाहर शिकार पे, क्योंकि थोड़ा बहुत खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना, बिना खाने के कैसे ज़िंदा रहेगा। तो हम चल रहे हैं शिकार पे अपना, भेड़ वेड़ जो भी मिलेगा उसको मारेंगे, उससे वूल मिलेगा हमें और खाना मिलेगा मीट, जिसको हम फर्नेस में पका भी सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन पकाया हुआ मीट ना ज़्यादा सही रहता है, तो हम फर्नेस में ही पकाएंगे उसको। तो चलते हैं यार शिकार पे। इससे पहले मैं थोड़ा अपना जुगाड़ पानी कर लेता हूँ, घर को थोड़ा सही बना लेता हूँ। अभी बाद में इसको देखना, दरवाजे दरवाजे पता नहीं एकदम सजा देंगे ना, राजा महाराजा वाला महल बना दूंगा इसको। बस आप देखते रहना इस सीरीज़ को, जब ये सीरीज़ की आखिरी वीडियो देखोगे ना आप, मेरा घर ऐसा लगेगा ना आपको, मतलब रियल लाइफ फील है भाई, ऐसा घर बना दूंगा मैं। तो मैं पहले चलता हूँ अपने घर पे वापस, थोड़े बहुत औजार बना लेता हूँ। देखो क्योंकि तलवार तो है ही नहीं, बिना तलवार के अगर मारूंगा ना तो कोई जानवर जल्दी मरेगा ही नहीं, तो इधर मैं आया तो बनाने तलवार, लकड़ की नहीं बनाऊंगा तलवार, मैं बनाऊंगा पत्थर की, तो उससे थोड़ा ज़्यादा डैमेज होता है। मुझे याद नहीं आ रहा तलवार कैसे बनती है, तो मैं अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनती है तलवार, बन जा यार कैसे बनती है याद नहीं आ रहा पता नहीं क्यों। फिर मैं यार दिमाग ख़राब होता साइड से ही देख रहा था कैसे बनती है तलवार, कि ऊपर नीचे पत्थर रखते हैं और नीचे एकदम वो रखते हैं, देखो कुछ ऐसे, ये समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा सा भूल गया था ना। तो ये बन गई एक मेरी तलवार, चलता हूँ बाहर। अब तो यार रात हो गई, बाहर जाना सही रहेगा या नहीं, चलो अभी मैं ना इसको पीसफुल पे लगा दूंगा, जिसमें ना ज़ोंबीज़ आते नहीं हैं। और आप भी बोलोगे यार कैसा बंदा है, एक तो सर्वाइवल में पीसफुल लगा क्या फ़ायदा, मतलब यार अभी मैं थोड़ा ना नया बंदा हूँ तो चल जाता यार कभी कभी, आप भी मैनेज कर सकते हो थोड़ा, है ना, देख लो आप भी। देखो दीवार ढकने के बाद कितना अंधेरा हो गया, यहाँ से हम कोयला इकट्ठा करेंगे फर्नेस से, क्योंकि वहाँ पे हमने कोयले के लिए छोड़ रखा था ना। अब हम बनाने वाले हैं टॉर्च। टॉर्च कैसे बनाएंगे, ऊपर है कोयला और नीचे एक डंडी, पहले डंडी बनाते हैं, डंडी हमारे पास ज़्यादा थी नहीं यार, डंडी तो है ही हमारे पास, तो डंडी की ज़रूरत नहीं है, ऊपर कोयला नीचे डंडी, है ना।
ऊपर कोयला नीचे डंडी, तो आराम से हमारी एक टॉर्च बन जाएगी। एक नहीं चार बन गई, मतलब 8 टॉर्च हो गए भाई। सही है, मतलब 8 जगह लगा सकते हैं, मतलब 8 टॉर्च है हमारे पास। देखो अब थोड़ा उजाला हो गया, कितना बढ़िया भी लग रहा है देखने में। अंधेरे में कुछ घंटा मजा नहीं आने वाला था, तो मैंने टॉर्च बना लिया। अब देखो हमारा काम पूरा 25 है। अब इसको कुछ नहीं करना, रूम को, जो भी मेरा रूम है ना, मतलब छोटा सा, इसको बस मुझे अब एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड क्या मतलब, थोड़ा बड़ा, मतलब खोदते खोदते ना इसको मैं बड़ा कर दूंगा। ये क्या कर रहा हूँ यार मैं, यहाँ पे टॉर्च क्यों लगा रहा हूँ? चलो टॉर्च को मैं गिरा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मड। मड लगा दूँ, पत्थर लगा देता हूँ? नहीं यार, यहाँ पे ना मड लगा देता हूँ। मड बताऊँ क्यों लगाता हूँ? ताकि मैं याद रहेगा कि हाँ यहाँ से मैं देख सकता हूँ मड को तोड़ के। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना खोदना चालू करता हूँ और अपने रूम को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करेंगे यानी बड़ा करेंगे अपने रूम को, बढ़िया बनाएंगे। चलो अब देखते हैं कहाँ से खोदना चालू करो। ये पहले खामखा पत्थर जो लगा हुआ था वो हटा देता हूँ। अब यहाँ से सही रहेगा, यहाँ से रूम को बड़ा करते हैं। खोदते खोदते मैंने स्पीड अप कर दिया है, ये टॉर्च गिर गए, कोई बात नहीं। अब खोदते रहेंगे जब तक सुबह नहीं हो जाएगी। सुबह जाके देखेंगे अपना बढ़िया, जो भी हिसाब किताब रहेगा। बाकी आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा कमेंट में ज़रूर बताना, वरना तो वीडियो का फ़ायदा ही नहीं है ना, अगर आप कुछ बोलोगे ही नहीं यार कमेंट में। और मैं यहाँ पे ना पीसफुल में करने जा रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे कुछ सामान की ज़रूरत है। शिकार भी करना है मुझे, मतलब मारना है लोगों को नहीं यार, मतलब जानवरों को। लोगों को कैसे मारूंगा पता नहीं, क्या मैं भी बोल रहा हूँ आजकल। यहाँ से एक दरवाज़ा बनाता हूँ, चलता हूँ बाहर। अब ज़ोंबीज़ तो आएंगे नहीं क्योंकि मैंने पीसफुल पे लगा दिया है, तो चलता हूँ मारने अब जानवरों को। जानवर कोई दिख क्यों नहीं रहा भाई, दिख जा ये। चलो मैं आ ही जाता हूँ यार वापस, देखते हैं अपना कुछ दोबारा। यहाँ पे पहले टो लगाता हूँ टॉर्च, एक और लगा दूँ, एक और लगा देता हूँ क्या? हाँ चलो लगा देते हैं हम। और रास्ते में भी टॉर्च लगाते हुए आऊँगा, अगर मैं बीच रास्ता भूल गया ना अपने घर का, भाई ख़राब है एकदम, गेम प्ले पूरा ख़राब है भाई, इसलिए मैं बीच में टॉर्च लगाते हुए आऊँगा। यहाँ पे मिला सूअर, इसको एक दो मारूँगा मर जाएगा। इससे मिलेगा मुझे मीट, जो मैं पका के खा सकता हूँ फर्नेस में। वैसे असलियत में नहीं, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ मैं बस। तो यार मैंने अपने घर का रास्ता भूल ना जाओ, इसलिए ना मैं बिना कुछ रिस्क लिए अपने घर पे लौट जाता हूँ। चलो यार अपने घर पे ही चलते हैं, क्या है यार बाहर कुछ नहीं है, मज़ा भी नहीं आ रहा ज़्यादा, तो चलता हूँ घर पे ही अपने। कुछ अगर खो गया ना मैं अपना घर, तो ख़राब है यार गेम प्ले, पता नहीं यार मैं नहीं आ रहा तो बार बार क्यों बताता हूँ मैं, मतलब खामखा। और यहाँ पे भी रख देते हैं एक टॉर्च। टॉर्च हमें लगाने में कोई जा नहीं रहा कुछ भी, टॉर्च तो हम बार बार बना ही सकते हैं। टॉर्च भाई अंधा बना सकते हैं, मगर अंधा कल, मतलब कल बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे। मतलब मैं अपने कल की बात नहीं कर रहा, मैं माइनक्राफ्ट के कल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें 5-10 मिनट में ही ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, मतलब 5-10 मिनट में 24 घंटे ख़त्म भाई, ऐसी कुछ इसका हिसाब है। वैसे मन तो कर रहा था यार माइनिंग पे चला जाता मैं, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता, रात हो गई, रात में ज़्यादा फिर उजाला भी नहीं रहेगा ना, फिर टॉर्च भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा है नहीं हमारे पास, 4 टॉर्च बची है अब तो। अब अगली सुबह ही जाएंगे, मतलब माइनक्राफ्ट में सुबह जाएंगे, मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ मैं। वैसे तो चलता हूँ अपने घर पे, वैसे मैंने बाहर टॉर्च लगा रखी थी तो घर दूर से ही दिख जाएगा, वैसे दिख जाना चाहिए, आसपास तो दिख नहीं रहा, कहाँ गया, खोदो नहीं गया अपना घर। मैं देखता हूँ वैसे कहाँ गया, अरे मेरा घर दिख गया, देखा टॉर्च लगाने का फ़ायदा, देखा मतलब दूर से ही घर पहचान लिया मैंने, हाँ भाई ये मेरा घर है। आसपास भाई किसी का घर ही नहीं है, विलेज में तो आया नहीं मैं, यहाँ पे मतलब इसमें भी विलेज होते हैं ना, तो देखो टॉर्च लगाने का ये फ़ायदा है भाई, अपने घर के बाहर टॉर्च लगा दो, दूर से ही घर नज़र आ जाए आपको। और अब यहाँ पे बना दिया है मैंने दरवाज़ा, दरवाज़ा देखो कुछ इस तरह से बनता है, आप देख लो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा बना दिया। अब देखो यहाँ पे ना मैं लगाने जा रहा हूँ दरवाज़ा, देखो वैसे सुबह हो गई, मैं बताना भूल गया यार, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, मतलब क्यों यार, इसमें सुबह तो ऊपर नीचे ऐसी हो जाती है। चलो दरवाज़ा यहाँ पे मैंने बना दिया, देखो मस्त, कितना मस्त लग रहा है, आवाज़ सुनो उसकी, कड़क 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 कड़क, मतलब बढ़िया लग रहा है ना दरवाज़ा। और अब धीरे धीरे करके ना इसको सजा दूंगा, महल से कम नहीं लगेगा। और मैं थोड़ी आसपास की ना मिट्टी को भी हटा देता हूँ, ताकि थोड़ा ना घर और सुंदर लगे, मतलब देखो जैसे ये खामा खा के है ना मिट्टी, सीढ़ी से बना रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ, शावल से हटाता हूँ, शावल से ना जल्दी हटती है मिट्टी, ऐसे खोदने में काम आता ना शावल, इसमें भी यही हिसाब है इसका कि शावल से ना मिट्टी बहुत जल्दी हटती है, तो शावल से मैं मिट्टी यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि अपना अच्छा खासा बना पाऊँ। हट जा मिट्टी, देखो कितनी स्पीड है शावल की, और इसी से पत्थर खोदो तो नहीं हटेगी जल्दी। तो चलो वैसे तो ये बेस है एक, इसको मैं पत्थर खामखा यहाँ पे क्या कर रहा है इसको हटा देता हूँ। हट जा भाई ये पत्थर, चलो ये पत्थर हट गया, अब मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके कुछ देखता हूँ, कुछ जुगाड़ पानी हो जाए खाने का। ये घोड़ा बेकार है, इससे खाना नहीं मिलता, घोड़े को मत मानना गाइस, घोड़े से ना खाना नहीं मिलेगा, घोड़े की सवारी कर सकते हो अगर आपके पास उसका स्टैग है तो। जैसे देखो ये जा रहा है सुअर, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शेर की आवाज़ निकाल रहा है,
सुअरों के शेर की आवाज़ निकालेगा। आ जा भैया आ जा, इसको मारा, देखो मिल गया इसका मीट, इसको पका सकते हैं हम बाद में, बाद में पकाएंगे, अभी तो हम इसको रख लेते हैं। और ये क्या, थोड़ी सी लकड़ी भी ले लेते हैं, चलो लकड़ी जब रास्ते में दिखी गई तो ले ही लेते हैं, क्या ही बुराई है। लकड़ी को हम स्पीड अप कर देते हैं वीडियो को, तो देखो आ गया ना इसका फिजिक्स दोबारा, लहराती हुई पत्तियाँ बिना पेड़ के, ऐसे ही हिसाब है इसमें कुछ। चल भाई आजा आजा, वैसे इसमें ऐसे करना चाहिए था कि जब पेड़ काट दो ना तो पत्तियाँ अपने आप गायब हो जाती ना, तब भी थोड़ा सही रहता, लेकिन पत्तियाँ भाई तैरती रहती है आसमान में, ये थोड़ा तो अजीब लगता है। तो भाई इस टाइम के लिए तो मैं लकड़ी के लिए बिल्कुल पागल ही हो गया था, बस देखो तोड़े जा रहा हूँ यार, तोड़े जा रहा हूँ, इकट्ठा कर जा रहा हूँ, तोड़े जा रहा हूँ। ये देखो सामने एक और पेड़ दिख गया मेरे घर के सामने, इसको भी भाई कैसे छोड़ दूँ यार, जब सामने तो कैसे छोड़ूँ, इसको भी देखो तोड़ दिया मैंने, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करूँगा, फिर देखो उस घर सामने चला जाता हूँ घर में, और यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ के ना डबल दरवाज़ा बनाएंगे। डबल दरवाजे में क्या है ना, एक फीलिंग आएगी घर वाली कि घर में अपने दरवाज़ा खोल के जाएंगे ना दोनों, कि हाँ भाई ये है हमारा घर। अरे लग जाए ये, इसको लगे, ये दरवाज़ा लग क्यों नहीं रहा पता नहीं, मैं देखो लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ये लग गया एक और, ये एक और, हाँ पिछली बार से बढ़िया लग रहा है। देखो अंदर वाले दरवाजे को हम तोड़ देते हैं, अंदर वाला दरवाज़ा किसी काम का नहीं है अब। चल भाई टूट जा, बड़ा टाइम ले रहा है, वैसे मुझे इसको कुल्हाड़ी से तोड़ना चाहिए था, जल्दी टूटता, वैसे कोई बात नहीं, टूटने टूटने से मतलब है, इसको भी गायब कर देता हूँ, जो यहाँ पे मिट्टी अजीब सी लग रही है, लो जी दरवाज़ा ही गायब हो गया। चलो पहले यहाँ पे पत्थर लगाते हैं, दोबारा अपने दरवाजे यहाँ पे वापस लगा देते हैं, कोई बात नहीं दरवाजे तो दोबारा लग जाएंगे वापस से, एक ये एक ये, चलो भाई लग गया, कितना मस्त लग रहा है यार, देखो आवाज़ में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस दरवाजे की, अब थोड़ा घर जैसा लग भी रहा है। और अब बाकी कमी रह गई है तो वो है बस टॉर्च, अगर दरवाजे के इधर उधर टॉर्च लगा देंगे ना तो थोड़ा और मस्त लगेगा। बाकी हम आलतू फालतू हटा देते हैं, इस दरवाजे में थोड़ा और सजाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं यार कैसा सजाऊंगा मैं, इसका दरवाजे का फ्रेम बना दूँ तो कैसा लगेगा, चलो ट्राई करके देखता हूँ। ये ऊपर पत्थर लगाता हूँ पूरा, मतलब फ्रेम की तरह बना दूंगा दरवाज़ा, जितना भी हमारा भंड दिमाग है ना यहीं पे हम खर्च कर देंगे सारा, बाकी गेम को देंगे ही नहीं, क्योंकि ये गेम हमारा सारा दिमाग लेने वाली है। तो देखो अब ये घर थोड़ा घर जैसा लग रहा है, इसको मैंने अच्छे से एकदम बना दिया है, अब यहाँ पे इसके अगल बगल लगा दूंगा टॉर्च, टॉर्च लगा दूंगा थोड़ा और सही लगेगा। बाकी देखो वीडियो में बने रहना, ये वीडियो देखो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, अगला पार्ट इसका आने ही वाला होगा कुछ टाइम में, इसका पार्ट अगला पार्ट ला दूंगा मैं, तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसकी अगली वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे। बाकी जो भी गलतियाँ मैंने करी है कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट गेम प्ले है, तो आप बता देना यार, आप मेरी मदद करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।